नमस्कार साथियों, कैसे आप। मैं अमित वर्मा एक बार फिर से आपके अपने एग्जाम्पल परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम है कलम से क्रांति। आज सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी में जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों से हम मिलवाते हैं आपको उस स्टूडेंट से, उस छात्र से जिसने अपनी सफलता निश्चित की है, जिसने मेहनत के बल पे, जिसने लगन के बल पे अपनी सफलता निश्चित की है। तो आज भी हम एक ऐसे ही शख्स से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उस शख्स से मिलने से पहले हम दो लाइन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ डेडिकेट किया है, इसको सुनेंगे ध्यान से। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। भाई, हौसले से बढ़कर कुछ नहीं है, उम्मीद से बढ़कर कुछ नहीं है, जो कहते हैं लगन से बढ़कर कुछ नहीं है, मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप सच्चे मन से, ढंग से, पूरे मेहनत से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने इसे सिद्ध किया है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको बार बार सिद्ध करते हैं, आप भी उनमें से एक हैं। तो हम मिलते हैं सबसे पहले धर्मवीर से, धर्मवीर सिंह, जो कि अभी सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट है, इनसे मिलते हैं। चलिए, वेलकम है धर्मवीर तुम्हारा, कैसे हो। चलो ठीक है, आप लाइव हो, एकदम बच्चे से देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जब मैंने तुम्हारा रिजल्ट सुना था, मुझे याद है कई साल, मतलब हो गए ना, कितने साल हो गए जॉब में, अब पांच साल कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अभी रिजल्ट के बाद से मिल नहीं पाए, फेस टू फेस नहीं मिले अभी तक नहीं मिले। चलो, तो आज अच्छी बात है कि तुम्हारा सक्सेस स्टोरी कर रहा हूँ, और मुझे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, और उन बच्चों को भी फायदा मिलेगा जो इस स्टोरी को देखेंगे, जो समझेंगे कि क्या ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा बच्चे कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, और सफलता के प्रति उनको लगता है कि यार सफलता नहीं मिलती है, और सफलता सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को मिलती है। तो आज देखेंगे कि क्या सफलता सिर्फ गिने चुने लोगों को मिलती है, या सफलता हर उस शख्स को तन मन धन से मेहनत करता है, लगन से करता है, ठीक है। तो भाई, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, सभी बच्चे सभी जुड़ जाएंगे, जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, सेशन की शुरुआत हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, कुछ सवाल आपके मेरे पास पहले से आए हुए हैं, और कुछ कमेंट जो आप अभी पूछेंगे उन सबसे लेकर के इस सेशन को बहुत ही जानदार शानदार बनाने का पूरा प्रयास मेरा रहेगा। सबसे पहले धर्मवीर से जानना चाहूंगा मैं कि अपना बैकग्राउंड बहुत ही मैटर करता है प्रिपरेशन में। बैकग्राउंड कहने का मतलब तुम्हारे स्टार्टिंग के लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ, किस परिवार से, किस तरह के परिवार से बिलोंग करते हो तुम, तुम्हारी स्कूलिंग कैसी हुई है, और तुम्हारा कॉलेज कैसा हुआ था, किस शहर से आते हो, और वहाँ का माहौल कैसा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी सफलता में ये सारी चीज़ें छाप छोड़ती है। तो मैं बिल्कुल शुरुआत से जानना चाहूँगा धर्मवीर, और पूरी जेन्युइनिटी के साथ तुम अपने बारे में बताओ मुझे। धन्यवाद सर, मुझे ये एक मौका मिला कि आप सभी लोगों के सामने और स्टूडेंट्सों के सामने अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। मैं बेसिकली फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ, जो नियर है आगरा के, जो फेमस फॉर है ताजमहल के लिए। लेकिन मैं थोड़ी वॉइस मुझे कम आ रही है, तो तुम अपना जो है ना वो फोन पास में रख लो, हाँ ईयरफोन पास में रख लो, ताकि मैं अच्छे से सुन पाऊँ, बच्चों को तो आ रही होगी। तो सर, जो फिरोजाबाद है, जो फेमस फॉर इट बेंगल्स के लिए, मैं वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जहाँ हाँ? से कम ग्रामीण जो क्षेत्र है, मेरा गांव है, वो कम से कम 12 किलोमीटर दूर है। और फैमिली का बैकग्राउंड बोला जाए तो सर, मेरे माँ बाप बिल्कुल नहीं अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो ग्रामीण में हुई 12th तक मैंने, और 12th के बाद जब मैं एक शहर की ओर रुख करता हूँ, फिरोजाबाद, जहाँ SR के इंटर कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन होती है। और सर, मेरी कहानी जो है, अगर आप जैसे मैं बच्चों के साथ शेयर कर ही रहा हूँ, तो सबसे हाँ। बड़ी बात है कि मैंने 8 से पढ़ाई की हुई है। आठ से पढ़ाई करी हुई थी? बिल्कुल सर, मैंने 12वीं पास 8 से किया हुआ है, ग्रेजुएशन हाँ। में BA किया हुआ है। और सबसे बड़ा हाँ। टिपिकल था मेरे लिए SSC, क्योंकि उसमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था मैथ, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं था। तो मेरे माँ बाप और फादर, जो पेरेंट्स अनएजुकेटेड थे, मेरे भाई भी हैं तो वो जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, लेकिन कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ अपने 5 भाई और 1 सिस्टर में सरकारी सेवाओं में, जबकि okay. वो सभी अन्य प्राइवेट वर्ग में हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी 2014 के बाद, मुझे याद है जब मैं सबसे पहले दिल्ली में पहुंचा था, और मैंने वहाँ पे कैरियर अकेडमी के नाम से कड़कड़ डूमा में जो थी कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था, लक्ष्मी नगर में सर।
ठीक तो है वहां मैं आई थिंक 1 साल वहां तक मैंने अपना वहां गुजारा, लेकिन कुछ इतना अच्छा अचीव नहीं कर पाया जो एक्चुअल में हमें मुखर्जी नगर आने पर और वहां पे मैथमेटिक्स जोन के नाम से जो आपने सर आपके सानिध्य में आए, तो आई थिंक उस बैच के हम सारे के जहाँ पे रोहित कौशिक, अभिषेक, मुझे बरवली नाम याद है, और साहब के सब अपने अव्वल दर्जे के, जिनका एक लक्ष्य था SSC को क्रैक करना उस टाइम पे 2014 में, और सभी ने आई थिंक अपने मन वांछित के हिसाब से पोस्ट प्राप्त की थी सर। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि अगर कोई भी हो, अगर कोई भी कोई पोस्ट लेना चाहता है या सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे बड़ा उसका है डेडिकेशन, एक समर्पण होना चाहिए, तभी वो कोई सफलता प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले जैसा फैमिली बैकग्राउंड मैंने पूछा और तुम्हारी स्कूलिंग पूछी, तो मैंने जैसा तुमने बताया कि फैमिली में जैसे कि कहीं ना कहीं जो रूरल बैकग्राउंड की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो थी कि परिवार में ज़्यादा एजुकेशन की थोड़ी सी कहीं ना कहीं लैक थी, और फैमिली में जो गवर्नमेंट जॉब की भी कहीं ना कहीं कमी थी, फिर भी तुमने इसको अचीव किया, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत तारीफ की बात है ये। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जिनको लगता है, जिनको एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती है और उनको लगता है कि वो ये नहीं कर पाए, तो उन सब के लिए सबक है कि कर सकते हो, आप कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता। और खासकर अगर जिस समय की बात धर्मवीर कर रहा है वो तो उस समय की बात थी जब YouTube की क्रांति नहीं थी, आज तो ऐसी क्रांति है, आज तो घर घर में पढ़ाई है, घर घर में टीचर है, है ना। आज ऐसी स्थिति है कि आप देखो मैं ही क्लास पढ़ाता हूं, और कहां दूर दूर से बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, ये नहीं कि मैं ही कराता हूं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, हमारे एग्जामपुर में ही 150 से ज्यादा क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो भाई इतने टीचर हैं, इतनी दूर दूर तक एजुकेशन रीच पहुंच रहा है, तो अब तो और आसान हो गया चीज, जो पहले कहीं ना कहीं डिफिकल्ट था वो कहीं ना कहीं अब बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर भी जिस लगन से, जिस मेहनत से आपने किया, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। अब बात आती है कि बात करते हैं एजुकेशन बैकग्राउंड की, जैसा तुमने बताया कि तुम आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, तुम्हारे लिए मैथ और इंग्लिश, मुझे लगता है इंग्लिश भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहा था। बिल्कुल सर। तो अगर हम SSC की तरफ ध्यान करें, तो सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला सब्जेक्ट होता है वो यही होता है, मैथ और इंग्लिश होता है, ठीक है, डेफिनेटली मैथ और इंग्लिश होता है। मैं तो कहूंगा मैथ से भी ज्यादा इंग्लिश होता है, क्योंकि मैथ में मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि मैथ को ठीक किया जा सकता है जल्दी, लेकिन इंग्लिश जो है ना थोड़ा ज्यादा समय मांगती है। इंग्लिश क्या करती है, थोड़ा ज्यादा समय मांगती है। तो तुम कोर रूप से बताओ, ठीक है, कि तुमने मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए इसको सही करने के लिए तुमने क्या किया, ठीक है, तुमने कैसे इस पर प्लानिंग बनाई, कैसे मेहनत किया, कि तुमने डेफिनेटली तुमने अच्छा किया दोनों में तभी तुम सेलेक्ट हो, तभी तुम आज पोस्ट, आज सुपरिटेंडेंट हो, ऐसे तो हो नहीं, मैथ इंग्लिश तुमने अच्छा किया होगा डेफिनेटली। तो वो कोर रूप से वो बात बताना बच्चों को बताओ जो तुमने अपने अंदर लाया, वो तो तुमने किया। सर मैं पहले मुखर्जी नगर जाने से पहले कुछ अपना जो बैकग्राउंड में जो एजुकेशन छूटती है उसके बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पे सर। ठीक है, क्योंकि मैंने जो 12th तक पढ़ाई की है, तो 12th तक वास्तव में क्या होता है, रूरल ग्रामीण जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी बात होती है सर, ग्रामीण क्षेत्र में चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, वहाँ इतना ही अच्छी कम्पिटिटिव की तैयारी नहीं होती है। मैंने सबसे पहले जब अपना BA किया तो BA में मैंने वहां पर डबल इंग्लिश लिया था, इंग्लिश लिटरेचर और जनरल इंग्लिश, ठीक है। तो जब मेरा जनरल इंग्लिश लिया और इंग्लिश लिटरेचर लिया तो आई थिंक तो मुझे एक डबल इंग्लिश लिया था, इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने मुझे बोला कि आपको कहीं ना कहीं, तो जब मेरा जनरल इंग्लिश लिया और इंग्लिश लिटरेचर लिया तो कहीं ना कहीं आपको, मुझे एक डबल इंग्लिश लिया था, इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने मुझे बोला कि आपको कहीं ना कहीं, तो जब मेरा जनरल इंग्लिश लिया और इंग्लिश लिटरेचर लिया तो कहीं ना कहीं आपको, मुझे एक डबल इंग्लिश लिया था, इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने मुझे बोला कि आपको कहीं ना कहीं, तो जब मेरा जनरल इंग्लिश लिया और इंग्लिश लिटरेचर लिया तो कहीं ना कहीं आपको, मुझे कहीं ना कहीं मुझे मैथ भी पढ़ना चाहिए, तो मैथ को कवर
हाँ हाँ उसके हाँ हाँ पैटर्न सेट थे कि वो आपने बताया हुआ था हाँ कि आपको कुछ नहीं करना है, अगर 100 आपके क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन का हाँ सबसे अच्छा हाँ फायदा है। हाँ उसके अपने 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पैटर्न बताया वैसे होंगे हुआ आपको कुछ नहीं और करना भी है, अगर क्वेश्चन 100 ऐसे होंगे होंगे जो जो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन थोड़ा है बहुत इधर उधर तो होंगे 100 जो कहीं क्वेश्चन ना कहीं सबसे आपको अच्छा उनको फायदा है। बताया उसके होंगे अपने तो 60 क्वेश्चन ऐसे ऐसे होंगे होंगे जो जो पैटर्न बताया हुआ होंगे, था अगर आप आपको जब भी कुछ नहीं मतलब करना ना है 100 100 होंगे जो जो कहीं जाता ना था कहीं आपके आपको क्वेश्चन थोड़ा है बहुत इधर उधर होंगे उसमें जो वो कहीं मान ना लिया कहीं था आपको मैंने बताया फायदा होगा, है उसके अपने 60 क्वेश्चन ऐसे उसमें होंगे भी जो बताया कहीं ना होगा कहीं आपको आपके क्वेश्चन है, थोड़ा आपने उन्हीं को नहीं बताया बताया होगा आपको उन्हीं को थोड़ा नहीं बहुत बताया इधर होगा उधर उसमें होंगे भी जो वो कहीं ना मान लिया कहीं था आपको मैंने बताया फायदा होगा, होगा उसके अपने उन्हीं को 60 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे बताया जो होगा कहीं ना आपने कहीं उन्हीं को मेरा नहीं क्वेश्चन बताया ऐसे होगा होंगे उन्हीं जो को कहीं बताया ना होगा कहीं आपको मेरा कहाँ समझना क्या चीज है, क्योंकि अगर क्योंकि वही वाली बात है आपने सर उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे 2014 में जो हमें वर्बली याद थे दिमाग में और वही एग्जाम में आए थे और हमने उन्हीं को ऐसे ही कर दिया था। और उसके साथ आपने बताया था कि किसी भी एग्जाम में जाने से पहले, मुझे याद है कि मैं मेंस में जाने से पहले आपने बताया था कि एक प्रैक्टिस सेट आप बाहर लगाएंगे 1 घंटे पहले बिल्कुल और वो बिल्कुल 1 घंटे पहले मैंने ऐसे प्रैक्टिस सेट बाहर लगाता रहा और मैं जैसे ही एग्जाम में जाके बैठा मुझे उसका पूरी तरह से लाभ मिला था सर। और मेरे मैथ में जो आए थे वो 160 से कुछ ऐसे, तो ऐसे ही मेरे अंग्रेजी में 160 थे, मेंस में बिल्कुल दोनों मेरे 160 160 थे, तब जाके मुझे जो अपना गोल है वो अचीव हुआ था सर रियली में। तो बिल्कुल बिल्कुल ये तो ये सबसे बड़ी कहानी रही सर ये है। बिल्कुल तो ये मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर। ठीक है, तो ये बड़ी बात बताई कि प्रैक्टिस का बहुत ही रोल होता है। ठीक है, मैथ के लिए जैसा कि बताया कि तुमने काफ़ी जो भी कॉन्सेप्ट कराया क्लास में तुम्हें कराया गया उस पर तुमने प्रैक्टिस करी और कहीं ना कहीं मैथ जहाँ 0 से था उसको तुमने 160 प्लस में कन्वर्ट किया। ये मामूली बात नहीं होती है, CGL में 160 प्लस, और डिपेंड करता है पेपर।